अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो शेयर किया था आपके साथ गैसड़ी विधानसभा के मोतीपुर गांव के पास का, उस पर आप लोगों ने जो रिएक्शन दिए और जो आप लोगों की लाइक और कमेंट मिले और जो शेयर मिले, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे ये दूसरी वीडियो बनाने में मदद मिली है। ये दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक समझिए कि विकास के दावे की पोल खोलता वीडियो। ज़रा आप देखें इस वीडियो को, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट कर ली राय दी गड्ढो गड्ढो की है बढ़िया साहब आओ था गड्ढो गड्ढो बढ़िया साहब हां आपको डोर ले लो आपको डोर वाला हां आपको डोर रोक लियो आपको डोर वाला आपको डोर वाला कौन है सही यार यार आज सही को ठाक वाह बस जो आगे तक वहीं आगे बंद कर लेना, जब ऊपर चढ़ना होगा तब। ऊपर चढ़ना होगा तब ना। दोस्तों, अभी आपने जो ये रोड देखा है, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बलरामपुर के नगर पंचायत पचपड़वा का रोड है। ध्यान से सुनिएगा, ये नगर पंचायत पचपड़वा का रोड है। और इस रोड को अभी 14-15 महीने पहले जिस रोड का काम हुआ था, यहाँ एक बुद्धू का होटल है, वहाँ से लेकर नई बाज़ार चौराहे तक इस रोड का काम जो है वो 70 लाख रुपये का ठेका था। और ये 14-15 महीने में इस रोड की ये हालत हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जगह जगह गड्ढे हो गए हैं रोडों पर, लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। और यहाँ के जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने पता नहीं किस दिमाग से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ये जो ईंटें डलवा दी हैं, ये लोगों के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। मैं तो कहूँगा ये जानलेवा विकास का आइडिया उन्हें पता नहीं किसने दिया, क्या उन्हें समझ नहीं है लोगों की परेशानियों की? क्योंकि जो लोग बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उन्हें शायद छोटी गाड़ियों वाले की कोई परेशानी समझ में नहीं आती है। ये यहाँ का मसला नहीं है, ये यहाँ से लेकर दिल्ली में बैठी हुई सरकार तक का यही मसला है। तो मैं मेरे क्षेत्र के जो विधायक हैं शैलू जी, और जो मेरे क्षेत्र के सांसद हैं ददन मिश्रा, और मेरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, मैं उनसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जनता को हो रही परेशानियों और दिक्कतों का जो सामना हो रहा है, आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। और इस रोड को जिसने भी बनवाया था, जो भी ठेकेदार था, आप लोग उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये जनता के पैसों को सरासर लूट रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे इस बात से, मेरी इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों को जनता के सामने लाया जाए और सरकार के सामने लाया जाए, ताकि ये आपके पैसों का दुरुपयोग ना कर पाएँ।
याद रखिए ये हमारे ही पैसों से रोड बनता है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई और देता है। ये जो हम 1 रुपये की 5 रुपये की 10 रुपये की चीज़ें खरीदते हैं, ये सरकार को उसका टैक्स जाता है और उसी टैक्स के पैसे से ये रोड बनते हैं, ना कि कोई हमें ऐसे ही बनाकर दे रहा है। तो ये हमारे और आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपको लगता है ये बात सही है, और जितने लोग भी इस नगर पंचायत के रोड से अभी गुजर रहे होंगे, अगर आपको सही में वो परेशानी दिखती है, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक ये बात पहुँचे और सारी जनता को पता चले कि विकास के नाम पर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं।